नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस सपने के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सपने में बारिश देखना। दोस्तों, जो साइकोलॉजिकली ये माना जाता है, अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अंदर से डिप्रेशन या तनाव के शिकार हैं। और दोस्तों, वही हिंदू धर्म के अनुसार यदि आप सपने में बारिश देखते हैं तो ये ज़्यादातर स्थितियों में शुभ कहा गया है। और ऐसा बताया गया है कि बारिश देखना ईश्वर की कृपा आप पर होने का सूचक होता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं सबसे पहली स्थिति की। दोस्तों, अगर आप तूफानी बारिश गिरते हुए देखते हैं, अगर बहुत तूफान हो रहा है साथ में बारिश हो रही है, तो दोस्तों ये माना जाता है कि ये आपको अशुभ फल जो है वो दे सकता है। यदि आप देखते हैं बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है और आंधी भी चल रही है, ये किसी अनहोनी होने का जो है वो संकेत देता है। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि आपको व्यापार में नुकसान होने की भी संभावना हो सकती है। दोस्तों, अगर आप तेज बारिश देखते हैं सपने में तो ये एक बहुत ही शुभ जो है संकेत होता है आपके फ्यूचर के लिए। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में धन धान्य की जो है बढ़ोतरी होने वाली है और बहुत सारी खुशियां जो है आपकी लाइफ में आने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। दोस्तों, अगर आप सपने में देखते हैं कि काले बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही अशुभ सपना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई विपत्ति आने से पहले का ये जो है वो आपको संकेत भगवान की तरफ से दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर एक बुरा सपना माना जाता है। तो वही अगर आप सपने में देखते हैं कि जो महिला है या लड़की है वो बारिश में भीग रही है, तो दोस्तों ये भी एक अच्छा सपना नहीं माना जाता है। अगर आपने कोई गलत या झूठ बोला है, चाहे किसी सही चीज़ को लेके ही आपने किसी से झूठ बोला है, तो दोस्तों आप पकड़े जाएंगे और आपको उस चीज़ से नुकसान होने की भारी आशंका है। तो अगर आप सपने में देखते हैं कि आप बारिश के पानी से खुद को साफ कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि आप अपने पश्चाताप को जो है वो पश्चाताप कर रहे हैं, अपने किसी मिस्टेक के ऊपर आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। तो अगर आप सपने में देखते हैं कि जो बारिश का पानी है वो आपके घर के अंदर एंटर कर गया है, तो दोस्तों ये माना जाता है, अगर पानी साफ सुथरा है तो माना जाता है कि अनजाने में ही सही लेकिन आपके घर में खुशियां जो हैं वो आएंगी। लेकिन वहीं अगर आप देखते हैं कि पानी मैला है, पानी गंदा है, उसका जो कलर है वो मडी वाटर है, तो दोस्तों ऐसे में ये एक बुरा अशुभ संकेत होता है। ये माना जाता है कि आपके घर में अशांति या कुछ बुरा होने की जो है वो संभावना आएगी। तो अगर आप खुद को पानी में चलते देखते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे किसी काम को लेकर, लेकिन आपको वो काम खुद ही करना चाहिए, तभी आपको जो है वो सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो।